वोट मांगने आएंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि तुम नेता वोट मांगने आया, आपका बेटा वोट मांगने आया, आपको ऐसा लगेगा। 15 सालों से यहां से जो विधायक है क्या ऐसे आके बैठा आपके पास? हाँ इस समय जरूर आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और संजीव जी के माध्यम से इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि संजीव जी ये बात हमेशा कह रहे हैं, अपने हर एक भाषण में कह रहे हैं, जीतने के बाद आप लोगों के साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो आप सबको इस चीज को सुनिश्चित करना है कि इस 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर संजीव भैया को हमने विधानसभा में भेजना है। 15 सालों का आपने काला काल देख लिया, 4 साल यहाँ के विधायक को मंत्री बने भी हो गए, आपके जेबों में क्या आया? अपनी जेबें तो इस प्रकार भरी कि 16 करोड़ की जो इनकम थी वो बढ़ के आज 65 करोड़ हो गई। क्या आप लोगों की इनकम बढ़ती है इस तरह? किसी की नहीं बढ़ती। उनकी कैसे बढ़ती है? काला बाजारी करके, कोरोना तक के इंजेक्शन बेच दिए उस आदमी ने। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, 15 साल तो आपने जो काला काल था वो देख लिया, इस 20 तारीख को जब पहली बार यहां से, ये गौरव की बात है हमारे लिए। मोदी जी को सब जानते हो? एक बड़ी आवाज में है, मेरे को नहीं जानते शायद। मोदी जी को जानते हो? जानते। और पंजाब के मुख्यमंत्री को जानते हो? क्यों नहीं जानते? पंजाब के मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं जानते क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री या तो 2 दिन के लिए बनता है उसके बाद उतर जाता है, या जो बनता है वो सिर्फ जेबें भरता है। मोदी जी को इसलिए जानते हो क्योंकि आपके घर में शौचालय बनवाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। आपके घर में गैस का सिलेंडर देने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त आपका इलाज कराने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। इसलिए हम मोदी को जानते हैं। और चन्नी को क्यों नहीं जानते? आपको बता दूं, चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री है। चन्नी को क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये सब जो योजना है भारत सरकार की है वो आप तक नहीं पहुंचने देता, और जो आपको इन चीजों से वंचित रखता है आप उसको नहीं जानते। तो आने वाली 20 तारीख को जब पहली बार मोहाली से हमारा विधायक खड़ा हो रहा है, मैं तो उनको विधायक ही कहता हूं क्योंकि जीत हमारी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। तो इस 20 तारीख को जब मतदान करने जाएंगे तो दिल में याद रखें, जो पार्टी रामलला को अयोध्या लेके आई उस पार्टी का उम्मीदवार आपके बीच से खड़ा हो रहा है। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर ये तारीख नहीं बताएंगे, भाजपा वालों से कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन रहा है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर चाहते हो कि हमारा मान सम्मान गौरव इसी तरीके से बना रहे, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, तो वो यही मोहाली से शुरू करना होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार क्या होती है? जो केंद्र में सरकार हो वही आपकी पंजाब में सरकार हो, जो केंद्र में आपका प्रधानमंत्री हो तो संजीव वशिष्ठ यहां से आपके विधायक हो। अगर आप ऐसा बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चौमुखी आपका वो हो, उद्धान हो, आप ये देखो, मैं अभी आया हूं एक रास्ता में, बीच में एक गली गलत मुड़ गया था, गलियों की ऐसी हालत है, स्कूटर मोटरसाइकिल वालों की तो क्या हालत होती होगी, मैं गाड़ी से आया था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि 15 सालों से जिस विकास से आप वंचित हैं उस विकास के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस 20 तारीख को कमल का बटन दबाकर संजीव जी को यहां से विधायक बनाकर भेजेंगे। आवाज नहीं आई, ऐसे नहीं आएंगे विधायक उनके, भेजेंगे। अभी अभी आधा आधा 50-50 है, जोर से बोलो, क्या संजीव जी को हम इस बार जिताकर भेजेंगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई साहब, पलौकी की विकास इतनी हुई है जिसकी 4 द्वार है। पलौकी में एंट्री की 4 द्वारे हैं, एक ये थाने वाले पुल के पास में, दूसरा बस स्टैंड के पास में, तीसरा एकता कॉलोनी,
और चौथा जो है गेटवे से। इन चारों रोडों से आप जब एंट्री करेंगे पलौंगी में तो आपको सबसे पहली विकास की छवि दिख जाएगी। तो और हमारे यहाँ न बच्चों को खेलने के लिए वो कोई पार्क है, न गलियों में सही से आने जाने की नाले की पानी निकलने की व्यवस्था है, न सही से पानी की सप्लाई आ रही है। आज चार रोज से बी ब्लॉक में पानी बड़े मुश्किल से पीने भर का पहुंच रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। आप लोगों को कमल निशान याद रखना है, अपने भविष्य को याद रखना है, और राम का मंदिर जो लाए हैं उनको हम लाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आप लोग भी इनके साथ कंधे में कंधा मिला करके और यहां से अपने उम्मीदवार श्री संजीव वशिष्ठ जी को भारी मात्रा में विजय बनाए, जिससे कि आपका जो ये यहाँ से लीड देंगे वो कहीं से बाय द वे हमें कमी मिलती है जो कि हम महसूस नहीं हो रही है, तो हमारा लीड ज्यादा से ज्यादा हो, तो उस लीड को बढ़ाने के लिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। उस दिन कहीं घूमने नहीं जाइए और सिर्फ इलेक्शन का कमल का फूल के ऊपर में बटन दबा करके तभी आप आगे निकले। तो मैं तो आपसे यही आशा करता हूं कि आप लोग सभी आदमी श्री संजीव वशिष्ठ जी को कमल के निशान पे मोहर लगा करके विजय बनाए। आप लोगों की जो समस्या है, एक है छठ घाट का समस्या, जो कि पिछले 15 साल से क्या 20 साल से आपके जो एमएलए हैं वो हर साल कहते बस इस साल कर दूंगा, इस साल कर दूंगा, इस साल कर दूंगा। यहाँ पे जो उनके नेता है जो व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के और बिल्कुल कुर्ता पे दाग भी नहीं लगा हुआ होता, वो आपके पास आते हैं और कहते हैं चिंता ना करो, बस मैं ही हूँ एमएलए साहब, मैं हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब, ठीक है। और आपने देख लिया क्या किया, जितने भी राशन का सामान आया वो राशन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 किलो जो गेहूं है वो केंद्र सरकार ने दिया और 5 किलो गेहूं राज्य सरकार ने दिया, 10 किलो गेहूं दिया है एक आदमी को और दे रहा है। और आपको 5 किलो गेहूं देने के लिए भी अब उन्होंने क्या किया कि मोदी जी के जो पोस्टर लगा, जो चिपका वो था थैला लगा, उसके ऊपर में अपना थैला लगा करके जो है तब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी खराब करके दिया। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि बताने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि ये जितने भी आप रोड के ऊपर बैठे हुए जो पेवर लगा हुआ है एक केंद्र के स्कीम से बना हुआ है, किसी स्टेट के गवर्नमेंट के स्कीम से नहीं बना हुआ है। आज हम लोग जो आए हुए हैं, हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उसका एक जो मेन वजह है इलेक्शन जो 20 तारीख होने वाला है। और हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में जो हमारे हल्के के जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो हम सबके साथ है। तो मैं खुद आज बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ, मैं खुद बोलना नहीं चाहता हूँ, मन तो इतना कर रहा है कि मैं भी काफी देर तक बोलूं, आप लोगों से बहुत सारी बातें करूं, यहाँ की जो लोकल समस्याएं उसकी बातें करूं। लेकिन मैं सच पूछिए तो मैं संजीव वशिष्ठ जी को सुनना चाहता हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री संजीव वशिष्ठ, श्री संजीव वशिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, भाई संजीव वशिष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि टाइम की शॉर्टेज है, भाई ने पहले बोला 1 मिनट लेना, नहीं तो पता ही घंटों तक बोलते हैं। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ, सबसे बड़ा धन्यवादी हूँ मैं भाई केसी सिंह जी का, बल्लू जी का, जो कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमें इस जनसभा में, मतलब बहुत ज्यादा दिल में खुशी हो रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आपके सामने आप लोगों को भाई को अगर हम देखते हैं ना तो मेरा जोश दोगुना होता है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारा भाई संजीव वशिष्ठ जी विजय होगा, क्योंकि ये जनसभा
और ये जोश और किसी पार्टी में नहीं है। ये जितने आदमी है हम किसी को पैसे देकर नहीं बुलाते हैं, ये हमारे भाई दिल से प्यार करता है नरेंद्र मोदी को, योगी को, और बिल्कुल सिर्फ कान में एक बूंद जाता है और दौरे चले आते हैं बिना नंगे पांव बिना चप्पल और जूते का। मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपने भाई और माता बहन का, और सबसे बड़ा धन्यवादी मैं नरेंद्र मोदी जी का हूँ, जो कि हमें भी अपने कार्यकर्ता के लायक समझा और मंडल प्रधान तक बनाया है, और MC का भी इलेक्शन आपके सामने लड़े। तो मैं ये कहता हूँ, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे बीच में भाई संजीव वशिष्ठ जैसे ईमानदार नेता को भेजा है, क्योंकि हमारे भाई के ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है। चलो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि योगी और मोदी जी को जानते हैं, उसने विश्व के लिए काम किया, दुनिया के लिए भी किया और हमारे लिए भी किया है। इसलिए चलो शॉर्ट नोटिस पर भाई संजीव वशिष्ठ जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस लायक समझा और हमें अपने बराबर में बैठा के मान सम्मान देता है, और मैं इनके साथ 24 घंटे चल रहा हूँ। बस एक ही नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारत की जनता पार्टी, भाई संजीव वशिष्ठ जी, श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अपनी माँ जन्म स्थान का जब जय घोष लगाते हैं तो पूरे जोश से लगाते हैं, तो अपनी माँ का जय घोष दोबारा से लगाएंगे, जन्म स्थान का, भारत माता की वंदे वंदे। रौरा लोग ठीक पानी नू, हमरा का आशीर्वाद है, सबन ठीक ठाक, मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई अश्विन जौहर जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आज इस सभा में मेरे साथ आए, मुझे बड़ा हौसला मिला, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत नजदीक से काम करते हैं। कालीचरण जी, रमायण सिंह जी, BK पांडे जी, जनार्दन शर्मा जी, विनय कुमार झा जी, प्रमोद जी, अशोक झा जी, धर्मेंद्र, सोनी जी, राजीव जी, बबलू जी, दिलीप जी, उमेश सिंह जी, और बड़े दिनों से जिनको मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, हमारी मामी जी रेणु पांडे जी, आप सब बलौंगी के वासी यहाँ पर बैठ के काफी समय से इंतजार कर रहे थे मेरा सुनने के लिए। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग गरीबी रेखा में पीछे हैं, आप मानते हो कि नहीं? आवाज नहीं आई, क्या उन्होंने अमीरों के लिए काम किया? तो जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया आप उनका साथ दोगे? पंजाब के अंदर कोई भी मोदी की स्कीम को लागू नहीं होने देते, उनको लगता है अगर मोदी जी की स्कीम पंजाब में लागू हो गई तो घर घर मोदी, हर हर मोदी पंजाब में भी होने लगेगा। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, देश के अन्य राज्यों के अंदर जहां जहां हमारी सरकार है, क्या वहां पर टॉयलेट के लिए पैसे मिले? पंजाब में मिले? आवाज नहीं आई, मिले? कच्चे मकान के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए 1.5-1.5 लाख मिला, पंजाब में मिला? क्योंकि घर घर मोदी, हर हर मोदी ना हो जाए। जब मैं बलौंगी में आता हूं तो मेरा दिल, मैं पूरे मोहाली में बोलता हूं, मोहाली के दो रूप हैं, एक जो 10 फुट दीवार के उस तरफ और एक जो 10 फुट दीवार के इस तरफ। ना यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा है, ना यहाँ पे गलियों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा है,
ना यहाँ पे सीवरेज की सुविधा है, ना यहाँ पर जो बाहर गंदा नाला बह रहा है उसको किसी तरीके से ढका है कि मेरे यहाँ के बहन भाई बीमार ना हो सके। हमने यहाँ पे बोर मारकर पीने के पानी की सुविधा की है, पर आप सबको पता है कि वो गंदे नाले का पानी है जो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर जा रहा है और हमारे बहन भाई बीमार हो रहे हैं। ये जो 15 साल से आप लोग विधायक बना रहे हो, ये क्यों यहाँ का सुधार नहीं करता आपको मालूम है? क्योंकि ये सोचता है बुलौंगी को 2 रात में सेट कर लूंगा। कितने रात में सेट कर लूंगा? आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? 5 साल ये लोगों को लूटते हैं और जब इलेक्शन आते हैं तो किसी को सूट दे, किसी को पीने वाली कोई दवाई दे। मैं तो पीता नहीं, मेरे को पता नहीं क्या क्या बांटते हैं। आपकी जेब से निकाला हुआ सामान उसमें से शायद 1% से भी कम 2 दिन में आपको सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी है, योगी जी है, दिन रात आपके लिए आपका जीवन सेट करने के लिए लगे हुए हैं। आप ये 2 रातों वालों के साथ खड़े हो गए कि जो सारी उम्र आपके साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े हो गए? 3 वादे करता हूं आपके साथ। बलौंगी में आता हूं, जब भी बड़ माजरा में आता हूं, जुझार नगर में आता हूं, तो 3 वादों का हर बार बात करता हूं। पहला, ये जो गंदा नाला है इसको ठीक करवाऊंगा, बंद कराऊंगा, सीमेंट का बनवाऊंगा कि आपका भविष्य खराब ना हो, आपके बच्चे बीमार ना हो। दूसरा वादा, यहाँ पे एक अस्पताल खुलेगा कि आप लोगों को परेशानी में चंडीगढ़ ना भागना पड़े। तीसरा, अच्छा स्कूल कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके और वो भी 10 फुट दूर वाली कॉलोनी में रह सके। ये वादा करता हूँ आपके साथ। और चौथा जो सबसे जरूरी है, ये गांव की जमीनों को अपने नाम पे इकट्ठा करते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। मैं एक काम जरूर करूंगा आपके लिए, छठ मैया की पूजा के लिए छठ घाट बनवाऊंगा यहाँ पर। और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो अगली छठ पूजा, छठ मैया की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा आपके साथ उसी छठ घाट में करूंगा अगले साल। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आपको, ये जो 2 दिन की सेटिंग है इससे बचो अगर आपने अपना भविष्य अच्छा करना है। ये लोग आपको 2 दिन में भिलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर 5 साल आपका खून चूसेंगे। चुसवाना चाहते हो अपना खून 5 साल? क्या कोरोना में राशन मिला किसी को? यूपी बिहार में तो 2 साल से मिल रहा है। आपके रिश्तेदार हैं, पूछिए उनसे मिला कि नहीं मिला। यहाँ पर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इनके पेट इतने बड़े हैं कि गरीब लोगों के राशन भी ये लोग खा गए। डरते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी ना हो जाए। तो एक बार अंत में फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले 20 फरवरी को ये आपकी अस्तित्व का सवाल है। ये लोग मोदी और योगी को, जो आप में से हैं, उसको हराना चाहते हैं। इन ये सोचते हैं कि ये 2 दिन में आपको अपने हिसाब से गुमराह कर लेंगे। आपने होना नहीं है। योगी जी और मोदी जी के इज्जत के लिए आप सबने निकल के वोटे डालनी है और इस बार यहाँ पे कमल फैलाना है, खिलाना है कि हम आपका भविष्य अच्छा कर सके। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ सब नारा लगाएंगे, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदित्य योगी नाथ जिंदाबाद, आदित्य योगी नाथ जिंदाबाद, आदित्य योगी नाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत।